तो चलिए अब आगे मैं चर्चा पे बढ़ रही हूँ। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तो कुलदीप कुमार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा और ये बात कही है कि भाई बिना ट्रायल के लिए आप किसी को जेल के अंदर आप नहीं रख सकते हैं, तो ऐसे में जो है कार्रवाई में तेजी आनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा ना, माना है ना कि भाई 338 करोड़ का लेन देन तो हुआ है, वो तो ये भी बात मान रही है और इसलिए जमानत नहीं मिली, खारिज हो गई कल मनीष सिसोदिया की, इसको तो हम दरकिनार नहीं कर सकते ना, यानी घोटाला हुआ। देखिए पूजा जी, ये पूरा मामला इस बात को लेकर है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो किसी भी कीमत पे किसी भी हद पे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालें, वो किसी भी तरह से किसी भी फर्जी केस में बनाकर उसको उलझाकर आम आदमी पार्टी को खत्म करें। और ये मैं बात वैसे नहीं कह रहा हूं, मैं एक तथ्य के साथ कह रहा हूं, ये आप अच्छे से जानते हैं कि 2014 के अंदर जब मोदी जी पूरे देश भर के अंदर परचम लहरा रहे थे और दिल्ली में जब पहली बार चुनाव हुए 2015 में, उसके बाद तो मोदी जी की तमाम रैलियों के बाद भी यहां पर भाजपा को 3 सीटें मिली थी खाली, 67 सीटें दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दी थी। उसके बाद 2020 के अंदर मोदी जी पूरे देश भर में परचम लहरा रहे थे लेकिन दिल्ली में आके उनका परचम टूट गया और दिल्ली के लोगों ने भाजपा को मात्र 8 सीटें दी। नगर निगम की 15 साल से बैठी हुई भाजपा को दिल्ली के लोग मोदी जी के जुमलों में नहीं आए, भाजपा के जुमलों में नहीं आए, उन्होंने आम आदमी पार्टी को मौका दिया। तो ये जो पूरा आप देखेंगे कि मोदी जी को हमेशा ये डर रहता है कि अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति है जो उनका आने वाले समय में काल बन सकते हैं, और ये बात को जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का जो काम करने का तरीका है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल है, वो देश भर में बहुत लोकप्रिय है और वो इसलिए चाहते हैं कि कैसे भी करके इस आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, अरविंद केजरीवाल जी को खत्म किया जाए। बात भ्रष्टाचार की नहीं है, ये बात भ्रष्टाचार की बिल्कुल नहीं है। अभी बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर भ्रष्टाचार की बात हो तो सारे भ्रष्टाचार तो आज भाजपा के अंदर शामिल हो चुके हैं, चाहे वो अजीत पवार की बात कर लो, चाहे वो हेमंत शर्मा की बात कर लो, चाहे नारायण राणे की बात कर लो, चाहे शुभेंद्र अधिकारी की बात कर लो, सबने कमल साफ साबुन से नहा लिया और सारे जाके भाजपा में शामिल हो गए। तो ये बात केवल इस बात को लेकर कि 2 नवंबर का जो नोटिस आया है वो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने के लिए आया है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आया है। और ये आम आदमी पार्टी नहीं, जहां जहां भाजपा नहीं जीतेगी वहां वहां ईडी पहुंचेगी। अब मुझे लगता है अगला नंबर शायद शैली जी का हो सकता है, उसके बाद ये तेजस्वी जी का हो सकता है, चाहे हेमंत सोरेन का हो सकता है, क्योंकि भाजपा वहां नहीं जीत रही है। जहां भी भाजपा नहीं जीतेगी वहां ईडी को उनका एजेंट बना के भेजा जाएगा, सीबीआई को भेजा जाएगा और ईडी सीबीआई अब चुनाव मैनेज करेंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर मोदी जी को कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से जन्मी हुई पार्टी है, हम लोग संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, यही आपका मूल मंत्र था ना, भ्रष्टाचार मिटाना ही। अब उस पर जब कार्रवाई होती है तो आप उसे बदले की कार्रवाई कहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भाई 338 करोड़ का लेन देन हुआ है, तो आप नहीं चाहते कि इसकी भी जांच तो होनी चाहिए ना। पूजा जी, क्या कहा सुप्रमान्य सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि ये जो सबूत मांगे जा रहे हैं ईडी अब तक कोई भी मनी ट्रेल नहीं दे पाई है, और अगर ईडी मनी ट्रेल अभी भी ऑर्डर में लिखा हुआ मनी ट्रेल नहीं है, अगर कहीं पे पैसा चोरी हुआ, किसी से रिश्वत दी गई, वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, किसके अकाउंट में गया, कहाँ से रिकवर गया, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। 500 से ज्यादा जगह छापेमारी हो चुकी है, सैकड़ों नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, ईडी और सीबीआई के पास कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका है, तो फिर क्यों आपके नेता जेल में बंद हैं? अगर कुछ नहीं है उनके खिलाफ तो क्यों उनको जमानत नहीं मिल पा रही? जी, मैंने कहा ना, पीएमएलए के पास एक्ट में इतनी ताकत है कि वो बिना किसी सबूत के भी किसी व्यक्ति को सालों साल जेल में रख सकते हैं। और अगर यही कहा कि आप ट्रायल पूरा करिए, आप ट्रायल पूरा किए बिना किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते हैं, उससे किसका नुकसान होता है भाई? आज मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर है तो वो 18 लाख बच्चों का नुकसान होता है जिनकी पढ़ाई के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, आज उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, दिल्ली के लोगों का नुकसान हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस द्वेष से आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आम आदमी पार्टी का पूजा जी एक कार्यकर्ता बचेगा तो वो मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, वो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेगा। और ये जो ईडी और सीबीआई का तोता मैना है ना, ये मोदी जी के जो भाजपा में शामिल हो जाते ना
ये ईडी और सीबीआई तो तब वहां नहीं पहुंचता है। आज अगर मनीष सिसोदिया भाजपा में शामिल हो जाते तो उनके भी ईडी और सीबीआई नहीं पहुंचेगा। मेन मकसद है सत्ता हासिल करना, अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना, आम आदमी पार्टी को खत्म करना, क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्हें दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बना ली। तो मतलब अगर वहां कार्रवाई नहीं होगी तो यहां भी ना नहीं, अगर ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी अपने नेताओं के खिलाफ जो वहां पहुंच जाए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर वहां कार्रवाई नहीं हो रही तो यहाँ पे भी कार्रवाई ना हो, आप ये कह रहे हैं? जी, आपने आज तक ऐसा कोई केस सुना है कि लगभग एक साल से जांच हो रही हो, दिल्ली के तीन बड़े नेता जेल के अंदर बैठे हो और उस 8 महीने के अंदर ईडी और सीबीआई को कोई सबूत ना मिला हो? इतनी बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसी देश के अंदर है, वो तो कुछ भी पता लगा लेती है, उनको वो सबूत आपने वो सुना है? क्योंकि घोटाला नहीं हुआ, ना ही कोई घोटाला हुआ है, ना कल माना ट्रांसफर हुआ है, 338 करोड़ का लेन देन तो हुआ, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है ना। देखिए, अब 338 करोड़ का लेन देन हुआ, 500 करोड़ का लेन देन हुआ, 1000 करोड़ का लेन देन हुआ, उसका सबूत क्या? कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, एक व्यक्ति के कहने पे अगर एक किसी अमित करोड़ ने कह दिया कि इतने करोड़ का लेन देन हुआ तो लेन देन नहीं हो जाता है। आपको मनी ट्रेल दिखाना होगा पीएमएलए के लिए, आपको बताना होगा पैसा कहां से रिकवर हुआ, पैसा कहां पर हुआ, ये बड़ा